आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। ट्रांसपोर्टर ने वार्ता के बाद हड़ताल वापस ली। हिट एंड रन मामले के लिए नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त जेल और जुर्माना प्रावधानों के खिलाफ ट्रक ट्रैक्टर बस ऑपरेटरों की हड़ताल मंगलवार रात खत्म हो गई। केंद्र सरकार के साथ वार्ता के बाद ट्रांसपोर्टर ने देशव्यापी चक्का जाम वापस ले लिया। हालांकि हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को देश भर में लगभग 2000 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म हो गया था। उत्तराखंड में भी कई पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग गई। देर शाम केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। भल्ला ने कहा, हमने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि हिट एंड रन मामले के लिए नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 दो लागू करने से पहले भारतीय अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि कानूनी प्रावधानों को लेकर कुछ भ्रम हैं, जिन्हें दूर किया जाएगा। सूत्रों ने कहा, अगर सड़क दुर्घटना के मामले में दुर्घटना करने वाले बड़े वाहन का चालक घटनास्थल से थोड़ी दूर जाकर ही पुलिस को सूचना देता है तो कठोरतम दंड से बच जाएगा। उत्तराखंड में हड़ताल से चरमराई तेल गैस की आपूर्ति। तो उत्तराखंड में यात्री और माल भाड़ा वाहनों की हड़ताल की वजह से मंगलवार को रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं, सब्जी, दूध, पेट्रोल डीजल, सीएनजी और रसोई गैस की आपूर्ति चरमरा गई। देहरादून समेत पूरे प्रदेश में मंगलवार दोपहर से ही पेट्रोल पंपों पर लाइन लगनी शुरू हो गई। हड़ताल से देहरादून, हरिद्वार, रुड़की में अधिकांश वाहन नहीं चले। पर्वतीय जिलों में भी सभी वाहन चालक आंदोलन में शामिल हो गए। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने भी बुधवार को पूरे प्रदेश में चक्का जाम रखने का ऐलान किया है। रणनीति चुनाव के लिए भाजपा का नारा अब की बार 400 पार। तो भारतीय जनता पार्टी या भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा दिया है। माँ पेंशन के लिए बच्चे को भी नॉमिनी बना पाएगी। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकेंगी। उत्तराखंड में पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय खुलेगा। तो डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण को यातायात निदेशालय की तर्ज पर प्रशिक्षण निदेशालय खोला जाएगा। इस निदेशालय को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। 13 भर्ती परीक्षाएं चयन आयोग को वापस मिली। तो भर्ती घपले के बाद राज्य लोक सेवा आयोग की हस्तांतरित की गई 13 परीक्षाएं अब उत्तराखंड सेवा चयन आयोग यूके SSSC कराएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दे दी है। सरकार ने पिछले साल सितंबर में यूके SSSC की 5 परीक्षाएं घपलों की आशंका से रद्द कर दी थी, जबकि 18 परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित की थी। लोक सेवा आयोग में भी भर्ती घपले सामने आने के बाद इन परीक्षाओं का कैलेंडर गड़बड़ा गया था। आयोग पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखागार, जेल बंदी, रक्षक की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पाया था। व्यवस्थाएं ढर्रे पर आने के बाद यूके SSSC सरकार से लगातार पूर्व में हस्तांतरित परीक्षाएं वापस करने की मांग कर रहा था। अब सरकार ने ऐसी कई परीक्षाएं आयोग से हस्तांतरित करने का फैसला लिया है, जिनकी भर्ती की विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हुई है। इन पर नहीं बनी सहमत। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3 परीक्षाएं वापस यूके SSSC को देने पर सहमति नहीं बन पाई। इसमें ऊर्जा निगम के JE, पुलिस उप निरीक्षक और व्यवस्था अधिकारी के पद शामिल हैं। जाड़ों के मौसम में बर्फ के लिए तरसे पहाड़। तो उत्तराखंड में जाड़ों के मौसम में पहाड़ बर्फबारी के लिए तरस गए हैं। पिछले 28 दिन से राज्य में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई है। नवंबर और दिसंबर महीने में भी सिर्फ 7 दिन हल्की बारिश हुई। 6 तक कोहरे का अलर्ट। तो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार में 6 जनवरी तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि दून, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी में भी सुबह शाम कोहरा पड़ेगा। यहां 4 जनवरी तक के लिए येलो अलर्ट है। महिला कर्मी बच्चों को पेंशन के लिए कर सकेगी नामित। मंजूरी के बिना मरीज को ICU में नहीं रख सकेंगे अस्पताल।
ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म, सरकार तत्काल लागू नहीं करेगी नया कानून। प्रदेश में भी हड़ताल का व्यापक असर रहा, विधायक ने मंत्री का आदेश फाड़ा तो डीएफओ दंपति को हटवाने की मांग को लेकर के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और भाजपा के पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल के बीच तीखी बहस हो गई। जिस कागज पर वन मंत्री ने जांच के आदेश दिए, विधायक ने मंत्री के सामने ही वह फाड़ कर हवा में उछाल दिया। इसके बाद वह समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। शाम को सीएम से मिले और प्रकरण से अवगत कराया। चुनाव से पहले अधिसूचित हो जाएंगे सीए के नियम, तो सरकार का पोर्टल तैयार, ऑनलाइन होगी प्रक्रिया। 17 तारीख को सार्वजनिक होगी रामलला की मूर्ति, इसी दिन अचल मूर्ति को कराया जाएगा नगर भ्रमण। बाहरी लोगों को सिर्फ व्यावसायिक उपयोग के लिए मिलेगी भूमि, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाहरी लोगों के उत्तराखंड में भूमि खरीद पर रोक लगेगी। देवभूमि में खेती व बागवानी के नाम पर धड़ल्ले से जमीनों की खरीद बिक्री की पुष्टि सूचना के बाद यह सख्ती की गई है। यह रोक भू माफिया व गलत नीयत से जमीन खरीदने वालों के लिए है। लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा सीए, तो सीए से जुड़े नियम तैयार, जल्द अधिसूचित कर पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, तेजी से दी जा सकेगी नागरिकता। ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रकों के पहिए जाम, चालकों का विरोध प्रदर्शन, तो देहरादून में ट्रक ड्राइवरों ने स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन के तहत जमकर की नारेबाजी। हड़ताल में शामिल रोडवेज ड्राइवरों पर होगी कार्रवाई, तो हड़ताल के चलते बस संचालन से बच रहे ड्राइवरों पर रोडवेज प्रबंधन कार्रवाई करेगा। प्रबंधक ने 1 और 2 जनवरी को अनुपस्थित रहे ड्राइवरों की सूची तलब की है। ऐसे ड्राइवरों को अब अग्रिम आदेशों तक बिना मुख्यालय की अनुमति या के अवकाश नहीं मिलेगा। मुसीबत, ट्रांसपोर्ट नगर में फंसी करोड़ों की दवाइयाँ, ट्रांसपोर्टरों के साथ बातचीत विफल, आंदोलन पर अड़े इंस्पेक्टर, 8 जनवरी से आंदोलन करेंगे। तो केंद्रीय जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर से अधीक्षक पद पर प्रमोशन नहीं होने से खफा ऑल इंडियन सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। 550 डॉक्टर कर्मचारी को 3 माह से वेतन नहीं, तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 550 डॉक्टर कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। चोरी के खुलासे के लिए एसओजी लगाई गई, गैस सीएनजी सप्लाई ठप, सब्जी राशन पर भी संकट बना। पेट्रोल भरवाने के लिए मारामारी, पंप होने लगे खाली, तो वाहनों की हड़ताल में दूसरे दून में मंगलवार को हालत खराब हो गए। देर रात तक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए वाहनों की घंटों लंबी लाइनें लगी रही। कई पंपों पर शाम होते होते पेट्रोल डीजल खत्म हो गए, सीएनजी वाहन जहां तहां खड़े रह गए। शहर में रसोई गैस एजेंसियों के गोदाम भी खाली हो गए हैं। गैस सीएनजी सप्लाई ठप, सब्जी राशन पर भी संकट बना। रायपुर पेट्रोल पंप पर लोगों ने किया हंगामा, तो रायपुर रोड पर सहधारा क्रॉसिंग से पहले एक पंप पर तेल शाम 7 बजे ही खत्म हो गया, जबकि दूसरे पंप पर वाहनों की लाइनें लगी रही। सहधारा रोड पर एचपी और भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल के पंप पर शाम 6 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई। दून में दूसरे दिन भी बेबस नजर आए यात्री, जरूरी वस्तुओं की सप्लाई में बाधा पहुंचाने पर सख्ती, तो एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने कहा कि हड़ताल को लेकर के पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। हरिद्वार में गैस खत्म, सब्जियां भी हुई महंगी। परिवहन संघों की शासन से वार्ता बेनतीजा होने से गहरा गया था संकट, तो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर कांग्रेस ने देश भर में हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद उत्तराखंड में भी हड़ताल खत्म कर दी गई है। राजाजी में बनी अवैध मजार पर चली जेसीबी, तो 1305 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया 6 महीने में। यूपीसीएल के बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर 31 तक दे सुझाव, तो 27 लाख बिजली उपभोक्ता पर महंगी बिजली का बढ़ेगा बोझ। 4000 करोड़ बकाया का प्रस्ताव फिर से आएगा। बागेश्वर, हल्द्वानी और कोटद्वार में भी होगी मूल निवास स्वाभिमान महारैली, पकड़ी गई बाघिन ही थी नरभक्षी, नहीं होगी आज़ाद। केंद्रीय जीएसटी विभाग के निरीक्षक 8 से करेंगे सांकेतिक आंदोलन।
दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देकर 2.5 लाख की रंगदारी मांगी। वहीं खबर है काशीपुर से तमंचे के साथ एक गिरफ्तार हुआ। बाजपुर में 2 मरे, गदरपुर में 17 घायल। तो अलग अलग सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खबर रुद्रपुर से मैतोस मोड़ पर श्रमिकों से भरा छोटा हाथी वाहन पलटा। तो काशीपुर हाईवे के मैतोस मोड़ के पास डिवाइडर से टकराकर श्रमिकों से भरा छोटा हाथी वाहन पलट गया। हादसे में 6 किशोरी, 8 महिलाएं व एक युवक घायल हो गया। चीनी मिल से ट्रैक्टर चोरी में 36 घंटे बाद भी केस नहीं हुआ। तमंचे से युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। रुद्रपुर से खबर आई है, एक युवक ने बंद कमरे में अवैध तमंचे से सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नानकमता में हत्या के आरोप में पिता पुत्र दबोचे गए। खटीमा में एडीएम के सामने उठे सड़क, बिजली और राशन के मुद्दे। दिव्यांग वर्ग में उत्तरकाशी को 500 मिले। कीर्तिनगर में सब्जी की दुकान चलाता था साहिल, तो कार और स्कूटी की टक्कर से एक की मौत हो गई। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर उफल्टा के समीप कार और स्कूटी के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। नाबालिग को घायल अवस्था में निजी वाहन से बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। 3 दिन से लापता युवक की दुर्घटना में मौत। बीते 31 दिसंबर की शाम से वाहन समेत लापता चल रहे केवर तल्ला निवासी सुरेंद्र राम पुत्र बहादुर राम का शव पुलिस ने कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर नारायणबगड़ नलगांव के बीच लाल मिट्टी के पास गहरी खाई से मंगलवार को बरामद किया। सीजे एड ने दी गोलापार जू सफारी को हरी झंडी। ऊर्जा निगमों में 2 अधिकारियों को नए साल में मिला तोहफा। तो UPCL में निदेशक परिचालन बने MRR। 6 साल बाद मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। शिक्षकों को नहीं मिल रहा राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। तो अशासकीय विद्यालयों के 5,000 शिक्षकों का है मामला, निदेशक से मिले शिक्षक। तो शासनादेश के बाद भी प्रदेश के 5,000 से अधिक अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों को राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। शिक्षक भर्ती में देरी से डीएलएड प्रशिक्षित नाराज। तो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार ने शिक्षक भर्ती में देरी और प्रक्रिया में बदलाव पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, यदि जल्द मांग पर अमल नहीं हुआ तो इसके विरोध में शिक्षा निदेशालय में धरना शुरू करेंगे। निदेशालय में एकत्र हुए बेरोजगारों ने कहा, 2020 में डीएलएड के लिए परीक्षा के माध्यम से चयन हुआ। 2 साल बाद 2022 में प्रशिक्षण शुरू हुआ। दिसंबर 2023 में 2 साल का प्रशिक्षण पूरा किया, लेकिन यूपी की देखा देखी अब उत्तराखंड में भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की बात की जा रही है। कहा, पहले ही परीक्षा पास कर डीएलएड के लिए चयनित हुए थे। उस दौरान करीब 70,000 में से 650 का चयन हुआ था। शिक्षक भर्ती के लिए वरीयता के बजाय एक अन्य परीक्षा कराया जाना उनके साथ अन्याय है। बेरोजगार इसके मामले को लेकर के बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल से मिले। IAS अफसर अमित नेगी प्रमुख सचिव बने। किसी अफसर के अवकाश पर होने से नहीं रुकेंगे कार्य। शिक्षक भर्ती में शामिल न करने से बेरोजगार नाराज। तो शिक्षक भर्ती में शामिल न किए जाने से नाराज BATT प्रशिक्षित महासंघ ने शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। धरने पर बैठे बेरोजगारों ने कहा, उन्हें पहले की तरह शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। बेसिक शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे बेरोजगारों ने कहा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पहले 23 अगस्त 2010 में शिक्षक की न्यूनतम योग्यता को लेकर अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि वह व्यक्ति जिसके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ BA BSc और BEd योग्यता है, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए 1 जनवरी 2012 तक नियुक्ति का पात्र होगा, जिसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण करना होगा, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 28 जून 2018 को एक अन्य अधिसूचना जारी किया। अधिसूचना में कहा गया कि जिसने NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए उसके अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। बेरोजगारों ने कहा, NCTE ने भर्ती की योग्यता को लेकर अधिसूचना जारी की, लेकिन विभाग कोर्ट के किसी आदेश का हवाला देते हुए उन्हें शिक्षक भर्ती से वंचित कर रहा है। 6 महीने में होगी पुलिस की अधिकांश भर्तियां।
तो इस साल शुरुआती 6 महीने हमें पुलिस की अधिकांश भर्तियां कराई जाएंगी। इसके साथ ही विभागीय पदोन्नति को भी समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। तीन संवर्गों की परीक्षाएं 11 से, तो आबकारी सिपाही, सहायक उप निरीक्षक और परिवर्तन और परिवहन के प्रवर्तन सिपाही की भर्ती के लिए फिजिकल परीक्षाएं 11 जनवरी से शुरू होंगी। यूकेटी पॉलिसी के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने मंगलवार को कहा, करीब 95,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। आयोग ने पीएससी की 3 और आईआरबी की 2 बटालियनों में फिजिकल परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। यह संबंधित बटालियनों के कमांडेंट की देखरेख में होगा। इनकी लिखित परीक्षाएं 25 फरवरी से होंगी। प्रवक्ता पद पर नियुक्ति को काउंसलिंग शुरू। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल विषय के लिए चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने निर्देश पर संयुक्त निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती, डॉक्टर आनंद भरद्वाज, उप निदेशक आकाश सारस्वत और बीओ कालसी भुवनेश्वर जल्दी ने काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा किया। काउंसलिंग बुधवार को भी जारी रहेगी। उधर एलटी कैडर की काउंसलिंग नैनीताल और पौड़ी में कल से शुरू होगी। बेसिक शिक्षक भर्ती या परीक्षा के जरिए ना हो, तो डीलर प्रशिक्षकों ने बेसिक शिक्षक भर्ती में परीक्षा की व्यवस्था लागू न करने की मांग की है। मंगलवार को डीएलएड प्रशिक्षकों ने बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि डीएलएड प्रशिक्षित राज्य स्तरीय परीक्षा पास करके ही प्रशिक्षण के लिए चुने जाते हैं। जिस प्रक्रिया से पूर्व में चयन होता आया है, उसी प्रक्रिया को जारी रखा जाए। अभी तक राज्य में मेरिट के आधार पर प्राथमिक विद्यालय के लिए चयन होता है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग एलटी प्रवक्ता की तरह बेसिक शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता के लिए चयन परीक्षा लागू करने पर विचार कर रहा है। नमक के बाद अब सस्ती चीनी की बारी। तो सस्ते नमक के बाद अब राज्य में 21 लाख परिवारों को चीनी भी रियायती दर पर मिल सकती है। अशासकीय शिक्षकों ने मांगी पुरानी पेंशन। परिवहन निगम में 195 मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। तो ड्यूटी के दौरान मृत रोडवेज कर्मियों के आश्रितों को नौकरी का रास्ता खुल गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में 400 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 60 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 54 आईटी एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 258 काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 27 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12 विशेषज्ञ के कई पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। घुप अंधेरी रातों में दून के आरओबी की बत्ती गुल। तो धुंध के बीच अजबपुर और मोकमपुर रेलवे ओवरब्रिज से गुजरना खतरे से खाली नहीं, शोपीस बनी लाइटें। गोवा का नटवरलाल दून से गिरफ्तार हुआ। तो एसटीएफ और गोवा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य विभाग को मिले 29 नर्सिंग अधिकारी। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, कोहरा बना मुसीबत। पुलिस के वाहन से टकराई वैन, सिपाही ने युवक का सर फोड़ा। तो 31 दिसंबर की रात कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात सिपाही ने कानून हाथों में लेकर एक युवक के ऊपर डंडे बरसा दिए। शराब के नशे में धुत सिपाही ने युवक का सिर फोड़ दिया और पेट व पीठ पर डंडों से कई वार किए। घटनास्थल पर पहुंची क्षेत्र की निवर्तमान पार्षद अमिता सिंह ने बीच बचाव करते हुए युवक को सिपाही से छुड़वाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना बसंत विहार थाना क्षेत्र की है। आपूर्ति बाधित कई पेट्रोल पंपों में स्टॉक खत्म हुआ। विक्रम ऑटो चलने से राहत नहीं, चले मालवाहक वाहन। ड्यूटी से गायब रहने वाले चालकों पर परिवहन निगम ने की कार्रवाई। तहसील दिवस में पहुंचा सिर्फ एक फरियादी। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गर्भवतियों के अल्ट्रासाउंड ठप हुए। मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स पर सफाई व्यवस्था पर होगा विचार। वन मंत्री व पुरोला विधायक में ठनी, मुख्यमंत्री दरबार पहुंचा मामला। अमित नेगी को प्रमुख सचिव पद पर दी गई पदोन्नति। स्कूल वैन में प्रतिबंधित इंजेक्शन कर रहा था सप्लाई, गिरफ्तार हुआ। सड़क दुर्घटना में 2 की मौत हो गई। उधार देने से मना किया तो अज्ञात युवकों ने दुकानदार को पीटा। उत्तराखंड पुलिस को टॉप 5 में लाना लक्ष्य है। रुड़की के 10 पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हुआ।
दूसरे दिन भी जारी रहा चक्का जाम। पेट्रोल डीजल के 20 टैंकर भेजे गए। बसों के इंतजार में दूसरे दिन भी भटकते रहे यात्री। ट्रक चालकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ट्रांसपोर्टर बोले आंदोलन वापस नहीं लेंगे। उत्तराखंड में लाएंगे मजबूत भू कानून। कपकोट में 99 करोड़ से अधिक की योजनाएं शुरू हुई। मृतक महिला का पोस्टमार्टम हुआ तो मृतक के भाई ने एसपी को दिया ज्ञापन, हत्या की जताई आशंका। ठंड में टेंट में रात बिताने की हसरत ले रही जान। पैकिंग बैग बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। तो मंगलौर से खबर है, प्लास्टिक के पैकिंग बैग बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फायर की 6 गाड़ियों ने पुलिस की मदद से आग बुझाई। रुड़की में बिजली की रोस्टिंग से लोगों ने फिर झेली दिक्कतें। पूर्व विधायक का पुत्र हादसे में घायल। तो मंगलौर से खबर है, झबरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल के बेटे कनिष्क की कार मंगलौर देवबंद मार्ग पर बिजली के खंभे से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें कनिष्क गंभीर रूप से घायल हो गए। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने सड़क हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायल को रुड़की के अस्पताल में भर्ती कराया। युवक से देसी शराब के पवे बरामद। रुड़की से खबर आई है, ट्रैक्टर बोगी से टकराई बाइक। मेजर त्यागी जैसे वीर बच्चों के प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। लक्सर में किशोरी को लेकर के फरार युवक गिरफ्तार। तो स्कूल में नए साल के स्वागत कार्यक्रम में गई किशोरी लापता हो गई। पुलिस ने मुजफ्फरनगर के युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से किशोरी को बरामद किया है। आरोपी को पॉक्सो और अपहरण की धारा में जेल भेज दिया। अयोध्या की रामलला में अल्मोड़ा की भरत की गई और मंथरा। शर्ट में घूम रहे गुलदारों ने बढ़ाई लोगों की दहशत। तो तल्ला शर्ट के रतनकोट गांव में गुलदारों का झुंड दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। अल्मोड़ा से खबर, चरस तस्करी में बीटेक और ग्रेजुएट युवक गिरफ्तार हुआ। अल्मोड़ा में लापता युवक का शव खाई में मिला। कर्मचारी महासंघ के नरेंद्र बने अध्यक्ष। फोटो खींचकर भेजे समस्या, 48 घंटे में समाधान। तो नैनीताल नगर पालिका के ईओ राहुल आनंद ने व्हाट्सएप नंबर 9149274469 जारी किया। यातायात के साथ अब खाद्यान्न संकट भी बढ़ेगा। तो ट्रक यूनियन की हड़ताल से उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक कई इलाकों में रसोई गैस सब्जी राशन आदि का संकट पैदा हो गया है। रानीखेत में पेट्रोल की किल्लत, लोग परेशान रहे। मैदान से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक बसों की मारामारी रही। हड़ताल से हल्द्वानी में 540 टन राशन डंप हो गया है। बागेश्वर में भी हड़ताल पर रहे टैक्सी चालक। चक्राता में 6 शिकायतें समाधान, एक का भी नहीं हुआ। जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ के चुनाव को लेकर के गहमा गहमी। तो 5 जिलाध्यक्ष रह चुके हैं पछुआ दून से। अक्षत कलश यात्रा में उमड़े राम भक्त, गूंजा जय श्री राम। मंडी में सब्जियां खत्म, तेल के लिए लगी लंबी कतारें। टाइगर फॉल मार्ग पर चलना मुश्किल हुआ। पर्वतीय डिपो से रोडवेज की बसों के संचालन पर हंगामा हुआ। जौनसार में बिखरने लगी मार्ग, मरो त्यौहार की रंगत। चंपावत पिथौरागढ़ में कानून के विरोध में उठे हाथ। कहीं टैक्सियों के पहिए थमे, कहीं पुतले जला रहे। मैदान से पहाड़ तक रही बसों को लेकर मारामारी। अफवाह के बाद पेट्रोल पंप के लिए अफरा तफरी। तो ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल मंगलवार को जारी रहने से यात्रियों को दिन भर समस्याओं से जूझना पड़ा। देर रात तक पेट्रोल भरवाने को लाइन में लगे रहे लोग। ट्रकों की हड़ताल से हल्द्वानी में राशन डंप हुआ। मंदिर शिफ्ट होगा और अस्पताल टूटेंगे। तो हल्द्वानी से खबर, अतिक्रमण पर रोडवेज स्टेशन से मंगल पड़ाव तक होगी कार्रवाई। मंगलवार रात में भी गर्जी जेसीपी। बर्थडे में छात्रों के बीच मारपीट, 3 घायल। तो नैनीताल से खबर आई है, नैनीताल पहुंचे पूर्व सीएम को सियारी। बिंदुखाता हादसे में घायल युवक, घायल दूसरे युवक ने भी दम तोड़ा। तो बिंदुखाता में सोमवार रात हुए सड़क हादसे में घायल दूसरे युवक की मंगलवार सुबह निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। संदिग्ध छत से गिरकर मकान मालिक की मौत। तो 2 युवक आधी रात को एक मकान की छत पर शोरगुल कर रहे थे। आवाज़ सुनकर पहुंचे मकान मालिक के विरोध करने पर युवकों ने उससे मारपीट कर दी। खुद को बचाने के चक्कर में मकान मालिक की नीचे गिरकर मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी घायल हो गई।
पूर्व फौजी के बेटे की ट्रेन से कटकर मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, पंजाब की निजी कंपनी में ज्वाइनिंग लेने जा रहे भवाली के एक युवक की हल्द्वानी में ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। भोटिया पड़ाव चौकी पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। नए साल के संकल्प ने आधी की शराब की बिक्री। मजबूत भू कानून बनाएंगे। बोर्ड परीक्षा की कापियां जांचेंगे 5000 शिक्षक। तो 27 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। नैनीताल में बनी शॉर्ट फिल्म कन्नू अमेरिका में प्रदर्शित होगी। कोटद्वार में अमित संजय और दीपा के गीतों पर नाचे, रेशमा और रजनीकांत के गीतों पर थिरके। ऋतु ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। छात्र छात्राओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया। वार्षिकोत्सव में गढ़वाली और पंजाबी गीत छाए रहे। मोरी ब्लॉक में पर्यटकों की संख्या सीमित करने पर कारोबारी भड़के। आउटसोर्स पर्यावरण मित्रों ने दी हड़ताल की चेतावनी। शीतकालीन पर्यटकों की सुरक्षा परखी गई। गैसन प्रखंड में पाले ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मंदिर में चोरी करने वाला गिरफ्तार। माल बरामद तो नई टीवी से खबर रही है। पार्टी में 3 किलो चरस के साथ कैंसर पीड़ित पकड़ा गया। तो नए साल के दूसरे ही दिन पार्टी पुलिस और ANTF को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इलाज करने की को शुरू की चरस तस्करी। तो चरस के साथ पकड़े गए आरोपी दीवान सिंह ने कैंसर का इलाज करने के लिए मादक पदार्थ की तस्करी का रास्ता चुना। चंपावत जिला अस्पताल में एक साल में 84,000 OPT। तकनीकी और जागरूकता से ट्रैफिक समस्या का हल। तो उत्तराखंड में इस वर्ष ट्रैफिक सुधार और साइबर क्राइम पर लगाम लगाना हमारी प्राथमिकता है। बॉन्ड वाले PG डॉक्टर को दुर्गम में तैनाती से राहत। PG करने के बाद अब दुर्गम में एक वर्ष की तैनाती अनिवार्य नहीं होगी। नमक के बाद अब सस्ती चीनी की बारी। भाजपा अयोध्या जाने को तैयार। तो चुनाव पूर्व जोर शोर से चलेगा मंदिर अभियान। किशोरी वही खबर, हरिद्वार से किशोर की हत्या में हिरासत में लिया हिस्ट्री सीटर। दस सेक्टर मजिस्ट्रेट रहे अनुपस्थित, स्पष्टीकरण मांगा। वही खबर यह है, श्रीनगर सड़क दुर्घटना में 2 की मौत हो गई। आज टैक्सियों के पहिए रहेंगे जाम, बढ़ेगी दिक्कत। मंगलवार को भी नहीं चली रोडवेज बसें। संदिग्ध हालत में युवक की मौत, गधेरे में मिला शव। तो सिकुड़ा क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद हुआ है। आग से झोपड़ी या राख, हादसे में बाल बाल बचा परिवार। तो बागेश्वर से खबर रही है, पहले मुकाबले में रानीखेत ने ताड़ीखेत को किया पराजित। नशे में धुत युवकों ने पिता और पुत्री को पीटा, सीढ़ी से गिरकर पिता की मौत हो गई। छात्रा के गाल पर केक लगाने पर भिड़े छात्र, 4 का चालान काटा। महिलाओं के श्रम और कौशल को मिलेगा पहचान। रुद्रपुर में कनपटी से तमंचा सटाकर युवक ने की आत्महत्या। रोपवे के बंद होने से 5000 परिवार के रोजगार पर संकट। तो श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए पैदल करना पड़ रहा मनसा देवी मंदिर तक का सफर। बोर्ड परीक्षा की कापियां जांचेंगे 5000 शिक्षक। घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर मिला डूबे युवक का शव। तो खटीमा से खबर आई है, सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। न बारिश न बर्फबारी, चिंता में किसान बढ़ गई दुश्वारियां। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए 7 को दून में जुटेंगे भाजपा दिग्गज। पत्नी से वीडियो कॉल करते हुए खुद को मारी गोली। आपूर्ति प्रभावित होने से दिखे आसार। तो पेट्रोल पंपों पर लग गई लंबी कतार। राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों के चयन के लिए फार्मूला तैयार हुआ। कैंग कैनोइंग के लिए विदेश से आएंगे उपकरण। जेई मेन के छात्रों की फीस अटकी, परीक्षा से पहले मिला दूसरा मौका। तो इसी महीने परीक्षा की तारीख को और शहर की सूचना जारी होने की उम्मीद है। अप्रैल सेशन का आवेदन करते समय रखें ध्यान। गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्री PhD प्रवेश परीक्षा की तैयारियां जोरों पर। तो HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्री PhD प्रवेश परीक्षा की तैयारियां जोरों पर है। आगामी फरवरी मार्च तक परीक्षा व प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराने का विश्वविद्यालय की ओर से प्रयास किया जा रहा है।
देश के सबसे युवा आईजी बने अरुण मोहन जोशी। साल बीते धरातल पर नहीं आई अमेवाला पेयजल क्लस्टर योजना। हड़ताल पहाड़ों पर अटके पेट्रोल डीजल के लिए भटके, 12 से 15 किलोमीटर तक चलना पड़ा पैदल। महिला होमगार्ड संभालेंगे ट्रैफिक की कमान। जब ट्यूलिप गार्डन बना ही नहीं तो प्रतियोगी परीक्षा में सवाल क्यों, तो हाल ही में हुई उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया था सवाल। उत्तराखंड के मड़खड़ायत में 30 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित है ट्यूलिप गार्डन। 4 किलो चरस के साथ 3 दबोचे गए। बनबसा के संदीप को रजत पदक मिला। डिग्री कॉलेज बना बास्केटबॉल चैंपियन। अल्मोड़ा में रसोई गैस का स्टॉक खत्म, ईंधन नहीं होने से पेट्रोल पंप हुए बंद। 803 ग्राम चरस के साथ बीटेक और स्नातक पास 2 युवक गिरफ्तार।